हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। माई नेम इज़ सुगंधा शर्मा एंड दिस वीडियो इज़ अ रिमाइंडर कि अगर आप डेटा साइंस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके पास सिर्फ 2-3 डेज और हैं, क्योंकि 24 जून इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इसके बाद बैच क्लोज हो जाएगा और फिर आप सीधा नेक्स्ट बैच में फिर एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर आप 24th के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा नया बैच अभी चल रहा है, लेकिन फिलहाल आज ऑलरेडी 22nd है तो आपके पास जस्ट 2-3 डेज़ है। जिन लोगों को इस कोर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, कौन सा डेटा साइंस कोर्स या उसकी क्या फ़र्दर डिटेल्स हैं, उनके लिए मैं आगे नेक्स्ट 5 मिनट्स में ये इन्फॉर्म करने वाली हूँ। बट जिन लोगों को ऑलरेडी पता है और फिर भी आपको कोई डाउट है जिसकी वजह से आप एनरोल नहीं कर पा रहे हैं, तो अभी आप ऑनलाइन अप्लाई करके देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। आपको सिर्फ पर्सनल डिटेल्स अपनी एंटर करनी है, जिसके बाद एक एडमिशन काउंसलर आपको कॉल करेंगे। तो आप अपने डाउट्स एक जगह इकट्ठे करके रेडी रख सकते हैं। जब आपको एडमिशन काउंसलर का कॉल आएगा, आप डायरेक्ट उनसे वो डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके क्वेश्चंस वेल आंसर्ड हैं और आप सेटिस्फाइड हैं एंड यू फील लाइक एनरोलिंग, तो आप एनरोल कर पाएंगे, विच मीन्स आप अभी डायरेक्ट अप्लाई करके देख सकते हैं। और जिन लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, सो डेटा साइंस का एक ऐसा कोर्स है जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जिसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 जून है। इसके लिए कोई भी फ्रेशर या कोई भी अर्ली वर्किंग प्रोफेशनल, कोई भी लास्ट ईयर या लास्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट या कोई भी ग्रेजुएट या इनफैक्ट ऐसे वर्किंग लोग जिनको ग्रेजुएशन किए हुए कई साल हो गए हैं और कई साल से किसी बिल्कुल डिफरेंट फील्ड में काम कर रहे हैं बट अब डेटा साइंस की तरफ स्विच करना चाहते हैं, इन सभी के लिए ये वीडियो है। सो बेसिकली फॉर एवरी ग्रेजुएट और एवरी अंडर ग्रेजुएट दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू। आज हम जिस डेटा साइंस कोर्स के बारे में बात करेंगे, ये है ऑडिन स्कूल की तरफ से। ऑडिन स्कूल डेटा साइंस के लिए एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। आप इसकी गूगल रेटिंग्स देख सकते हैं, इसको 1000+ लोगों ने 4.6+ रेट किया है, विच इज़ अमेजिंग। इसके अलावा जिन लोगों ने ऑलरेडी यहाँ से डेटा साइंस कोर्स किया है, उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स यहाँ पे लिंक्ड हैं, जिससे आप डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो वो आंसर हो जाएंगे। ये एक 6 मंथ डेटा साइंस कोर्स है, जिसमें 6 मंथ से लेकर के आपके प्लेसमेंट्स अप टू 12 मंथ्स चलेंगे। ये एक ऑनलाइन कोर्स है, विच मीन्स आप इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी से आते हैं, आप अपने घर के कम्फर्ट से बैठ के इसको कर सकते हैं। इसमें आपके हर वीकेंड पे रिग्रेस ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी और इसकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक फ्लेक्सिबल प्रोग्राम है, विच मीन्स अगर आपके कहीं और कमिटमेंट्स हैं, जैसे अभी आप एक स्टूडेंट हैं, कहीं पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी भी कहीं पे वर्किंग हैं, तो आप साथ साथ इस कोर्स को कंप्लीट कर पाएंगे। इसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके लिए अवेलेबल होंगे। लेट अस सी व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस प्रोग्राम। देखिए, यहाँ पे आपके लाइव इंटरेक्शंस रहेंगे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ, आपकी हर वीकेंड पे रिग्रेस क्लासेस रहेंगी, लाइव प्रोजेक्ट पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, एक्सपीरियंस्ड इंस्ट्रक्टर्स के साथ भी आपके इंटरेक्शंस रहेंगे, आपकी वर्कशॉप्स रहेंगी बिहेवियर स्किल पे, यानी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा जॉब में, स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है कि एक वर्क एनवायरनमेंट में हम खुद को कैसे ढालें। इसके अलावा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन, आपके सॉफ्ट स्किल्स की क्लासेस, CV कैसे बनाते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, आपके मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करना, ये सब भी इसी का पार्ट रहेगा। सिलेबस की बात करें तो इसमें आपको स्टैटिस्टिक्स, SQL, पाइथन, EDA, मशीन लर्निंग, Power BI, बिजनेस इंटेलिजेंस एंड स्टोरी टेलिंग, ये सब इसका पार्ट रहेगा, ये सब आपका कोर सिलेबस रहेगा। इसके अलावा इलेक्टिव्स भी रहते हैं, जिसमें आपके पास ऑप्शंस रहते हैं कि आप जितने ज़्यादा इलेक्टिव्स करना चाहते हैं, यानी जितने ज़्यादा पिक करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। इलेक्टिव्स की बात करें तो यहाँ पे आपके पास गेट, गिटहब, NLP, ETL, स्पार्क, एयरफ्लो, एज़्योर डेटा फैक्ट्री, Power BI एडवांस्ड, ये सब ऑप्शंस रहेंगे। प्लेसमेंट की बात करते हैं, यहाँ पे ऑडिन स्कूल का अपना खुद का एक डेडिकेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, जिसमें 500+ कंपनीज़ के साथ पार्टनरशिप है। जब भी इन कंपनीज़ में कोई जॉब वैकेंसी निकलती है जो डेटा साइंस से रिलेटेड होती है, तो उसमें क्या चीज़ें मांगी हैं वो अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल के साथ क्रॉस चेक करके, जिस कैंडिडेट की प्रोफाइल जिस तरीके के जॉब से मैच होती है, ये उनका CV या उनका प्रोफाइल वहीं फॉरवर्ड करते हैं, विच मीन्स इंक्रीज चांसेज ऑफ सिलेक्शन। ऑडिन स्कूल ऑल्सो हैज़ प्रूवन प्लेसमेंट रिकॉर्ड, और यहाँ पे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे सैलरी के लिए नेगोशिएट करने का काम भी ऑडिन स्कूल ही करता है। फीस की बात करते हैं, फीस इज़ ₹99,000 प्लस GST, जिसमें एक अर्ली बर्ड ऑफर भी है, यानी अगर आप थोड़ा जल्दी एनरोल करते हैं तो आपको ₹10,000 तक ऑफ भी मिल सकता है। इसके अलावा 30,000 तक की स्कॉलरशिप का प्रोविजन भी है, जिसके लिए आपको एक ऑनलाइन टेस्ट देना है, आपके स्कोर के बेसिस पे आपको ये स्कॉलरशिप मिल पाएगी। मान लेते हैं आपने इसमें एनरोल किया और आपको ये बूट कैंप अच्छा नहीं लगता है, तो आप 10 डेज़ में यहाँ से एग्जिट भी ले सकते हैं और आपको आपकी कंप्लीट फ़ीस रिफ़ंड हो जाएगी। नाउ लेट अस सी इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दूंगी, आपके सामने इस तरीके का एक पेज खुलेगा।
यहाँ पे आपको ये जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला पेज दिख रहा होगा, आपको इसमें सिर्फ अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, सबमिट कर देनी है। इसके बाद एक एडमिशन काउंसलर हैं जो आपको कॉल करेंगे। अगर आपके भी खुद के कोई डाउट्स हैं, जैसा कि मैंने वीडियो के बिगनिंग में बताया था कि अगर आपके ऐसे कोई डाउट्स हैं जो अनआंसर्ड जा रहे हैं, तो वो भी आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मान लेते हैं आपको स्कॉलरशिप के बारे में पूछना है, वो भी आप उनसे क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिर्फ अपनी फ़ीस सबमिट करनी है एंड यू विल बी एनरोल्ड इन द प्रोग्राम। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ चाहूँगी कि आप एक बार कैंडिडेट्स की सक्सेस स्टोरी भी देखें, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैंडिडेट्स काफ़ी वर्सेटाइल बैकग्राउंड से आए हैं। एज वाइज 20-21 से लेकर के आपको 40-45 की एज तक के कैंडिडेट्स मिल जाएंगे। प्रोफेशन वाइज आपको फ्रेशर्स मिल जाएंगे, डेटा साइंस के ही बैकग्राउंड से भी मिल जाएंगे और बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से भी मिल जाएंगे, जिन्होंने किसी दूसरे फील्ड में कई साल काम किया एंड नाउ दे आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ डेटा साइंस। एज वाइज, जेंडर वाइज काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल कैंडिडेट्स हैं और उनके सिलेक्शंस होते हैं। सो दैट विल गिव यू एन आइडिया कि काफ़ी डिफरेंट एरियाज से लोग आते हैं और उनके अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन, इफ यू हैव एनी डाउट्स, ईदर आस्क मी इन द कॉमेंट्स और यू कैन जस्ट अप्लाई ऑनलाइन एंड द काउंसलर कैन आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।